नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैम स्कैनर ऐप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल डिजिटल इंडिया का दौर है, जहाँ पर जो भी काम होता है ऑनलाइन होता है। तो ऐसे में आपको कोई गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिल करने पड़ जाए तो आप वो ऑनलाइन वेबसाइट से जाके कर लेते हैं। चाहे जो भी काम हो आजकल आपको ऑनलाइन ही करने पड़ते हैं। तो ऐसे में कई बार आपको आवश्यकता होती है अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की। अगर आपके पास कंप्यूटर स्कैनर नहीं है तो आपको साइबर कैफे में जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, और वहां पर आपको चार्ज देना पड़ता है ₹5 पर कॉपी। तो ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐप्स लेके आए हैं, एक अमेजिंग ऐप्स लेके आए हैं जिसका नाम है कैम स्कैनर। दोस्तों इस ऐप को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर पाओगे, और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर स्कैनर जैसी ही आपको क्वालिटी मिलेगी। आपको क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और ये डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्यूटर स्कैनर से स्कैन हुए हैं या फिर मोबाइल स्कैनर से स्कैन हुए हैं। तो आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप यदि एंड्रॉयड डिवाइस यूज करते हैं तो प्ले स्टोर से, यदि आप iOS डिवाइस यूज करते हैं तो ऐप स्टोर से आप फ्री में जाकर कैम स्कैनर की एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को फ्री में स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आप इस ऐप को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी प्ले स्टोर में जाना होगा। यदि आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज करते हैं, यदि आप एप्पल डिवाइस यूज करते हैं तो आपको अपनी ऐप स्टोर पर जाना होगा और वहां पर जाकर आपको डालना होगा कैम स्कैनर। देखिए आपको इस तरीके से कैम स्कैनर की जो एप्लीकेशन वो मिल जाएगी बिल्कुल CS इसी सेम फॉर्मेट में, और आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस ऐप को यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, और मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको स्कैन कर सकते हैं बिना किसी स्कैनर के। तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। देखिए आपको एक इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको यहाँ पर कैमरे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कैसे भी, चाहे कैसे भी हो, आप इसको बस ऐसे जस्ट एक क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए इस तरीके का आएगा। तो देखिए इसने पहली बात तो अपने आप कटिंग कर लिया। यदि अपने आप वो कटिंग नहीं करता है तो आपको इस तरीके से यहाँ से इसको सेट करना होगा, मतलब क्रॉप करना होगा। ठीक है, तो आप इस पर ओके कर दीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ हो गया है, और जैसी क्लियरिटी स्कैन करने में आती है, डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्कैनर से स्कैन करने में आती है, सेम की सेम क्वालिटी आपको मोबाइल स्कैनर ऐप से भी मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। आप चाहो तो इसे शेयर कर सकते हो, चाहो तो आप PDF में भेज सकते हो, चाहो तो आप JPG में भी भेज सकते हो, या आप किसी को WhatsApp कर सकते हो, आप शेयर इट से भी शेयर कर सकते हो, या फिर आप इसे ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है, ईमेल करोगे तो आप इसको JPG में भी कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल में भी कर सकते हो, और आप इसको PDF में भी कर सकते हो। यदि हम PDF में करते हैं तो नीचे की तरफ हमें कैम स्कैनर दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से जो मेरी मेल है वो चली गई है। अब सेम मैं मेल JPG में भी भेजता हूँ। ठीक है, मीडियम क्वालिटी में भेज देते हैं। देखिए हमारी ये मेल भी चली गई है। अब मैं वापस से मेल पे आ जाऊँगा। ये JPG वाली मेल आ गई है, तो हम थोड़ी JPG वाली मेल देख लेते हैं। इस तरीके से मेल आई है, तो यहाँ पर आपको कहीं भी कैम स्कैनर लिखा दिखाई नहीं दे रहा है। और अब हम PDF वाली मेल देख लेते हैं। देखिए देखिए नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जस्ट एक कैम स्कैनर लिखा दिखाई देगा, स्कैन बाई कैम स्कैनर, और आपको कोई भी फ़र्क नहीं मिलता, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं मिलता है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है। यदि आप डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना पड़ जाए तो आप इस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि दोस्तों आपके मन में कोई सुझाव है या फिर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछें। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।